टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर बुक ऑफ राइटिंग लिटिल हैंड्स प्रिंट अपर केस दिस इज योर बुक एंड नाउ लेट स्टार्ट पेज नंबर 6 पेज नंबर 6 में आपको क्या करना है अप एंड डाउन आपको जैसे मैंने पहले भी उस बुक में सिखाया है अप एंड डाउन आपको ये तिरछी लाइन मतलब कि टेढ़ी लाइन खींचनी है स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है ठीक है अप एंड डाउन फिर देखो ऐसे यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन से लेकर के थर्ड लाइन तक आपको स्ट्रेट लाइन नहीं करनी है आपको थोड़ी टेढ़ी लाइन करनी है अप एंड डाउन ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया ये लाइन आप लोगों को खुद से करनी है उसमें सिर्फ एक में दिया हुआ है आपको लाइन करना फिर बाकी सारी लाइनों को आपको खुद से करना है एंड पेज नंबर 7 में इसी के अपोजिट लाइन आप लोगों को करनी है ये दूसरी तरफ को मोड़ना है ये इस तरह से अप एंड डाउन लेकिन दूसरी तरफ से अपोजिट साइड में पहले इधर था मुड़ा हुआ अब इधर मोड़ना है अब आपको लेफ्ट साइड में मोड़ना है इधर सॉरी लेफ्ट नहीं राइट साइड में मोड़ना है ठीक है पहले हमने लेफ्ट में मोड़ा था अब राइट साइड में मोड़ना है इधर से ये राइट साइड है आपका अप एंड डाउन राइट साइड आपको अप एंड डाउन एक लाइन करनी है अपने से खुद से करना है ये 3 लाइन में ठीक है बच्चे आप लोग समझ में आ गया एंड अब पेज नंबर एट में आपको पता ही है कैपिटल सी कैसे लिखा जाता है कैपिटल सी 3 लाइन में लिखा जाता है हाफ राउंड करना है हाफ राउंड करके 1 2 3 लाइन में आपको हाफ राउंड सी लिखना है क्या लिखना है हाफ राउंड सी लिखना है 1 2 3 अपर से लेकर मिडिल तक की लाइन में 1 2 3 लाइन में सी लिखना है आप हाफ राउंड करना है सी लिखने के लिए ठीक है आप लोगों को खुद से लिखना है उसमें भी एंड अब पेज नंबर 9 में आपको सी को अपोजिट करना है सी जैसे लिखा हुआ था पहले हम लोग लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाए थे राइट साइड में घुमाए थे अब हम लोग को राइट से लेफ्ट जाना है एंड हाफ सर्किल बनाना है सी ऐसे हाफ सर्किल बनाना है इसमें भी सी इसमें भी सी बनाना है हाफ सर्किल बनना है सी पेज नंबर 10 में देखिए नेक्स्ट पेज में इसमें क्या लिखना है ओ राउंड करना है फुल राउंड ऐसे राउंड बनाना है सर्किल की तरह ऐसा ठीक है ऐसे पूरा 3 लाइन में आपको फुल राउंड एंड राउंड गो राउंड एंड राउंड ऐसे राउंड बनाना है पेज नंबर 10 में ऐसे राउंड बनाना है सर्किल की तरह पूरा 3 लाइन में बनाना है 4 लाइन में नहीं बनाना है ठीक है आप लोगों को समझ में आया ये राउंड तो आप लोग देख के जल्दी से बना लेंगे सर्किल की तरह एंड नेक्स्ट पेज नंबर 11 में आपको दो दो सी लिखना है क्या लिखना है 2 सी लिखना है एक तो एक छोटा सा सी लिखना है पहले 2 लाइन में मतलब 2 लाइन में लिखना है आपको छोटा सा सी एंड फिर अगेन फिर एक छोटा सा सी लिखना है ऐसा पैटर्न बनाना है आपको ये सी लिख करके पैटर्न राइटिंग में ऐसे 2 सी लिखना है मतलब इसको ये हम लोग का क्या बन जाएगा ई बन जाएगा ठीक है ये ऐसे सी बनाना है एक छोटा और फिर से अगेन से ऐसे हाफ राउंड करके ये क्या बन जाएगा किसका पैटर्न है ई का पैटर्न है हम लोग कर्सिव राइटिंग में हम लोग ई को ऐसे ही लिखते हैं ठीक है फिर से बताते हैं एक बार फिर से बताते हैं हाफ सी छोटा सी लिखना है फिर एक और सी लिखना है तो ऐसे ही हम लोग कर्सिव में ई लिखते हैं ठीक है ऐसे उसके बाद नेक्स्ट उसी में है एस लिखना एस का पैटर्न कैसे होता है इसमें एक ऐसे राउंड करना है उसके बाद अपोजिट राउंड में घुमा देना है अपोजिट साइड में आपको घुमा हम लोग अभी एक ऐसा छोटा सा सी लिखे थे ना पहले और उसके बाद उसको एक उल्टा सी लिखे थे अपोजिट सी वैसे ही बनाना है और ये पैटर्न एस का बन जाएगा ऐसे हम लोग कर्सिव में एस लिखेंगे ऐसे एक छोटा सी पहले लिखना है फिर उसके अपोजिट में दूसरा सी लिखना है छोटा सा
तो ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। एंड नेक्स्ट अब है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में आपको क्या करना है, उल्टा यू लिखना है। क्या करना है आपको, थ्री लाइन में उल्टा यू लिखना है। यू जैसे आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे नीचे से अप एंड डाउन करके नीचे से मोड़ के लिखते हैं, तो हम लोग अब ये यू लिखेंगे कैसे, पहले तो ऐसे उल्टा यू लिखेंगे। पहले हम लोग अप एंड डाउन आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा यू, अप एंड डाउन ऐसे आएंगे तो हम लोग उल्टा यू बन जाएगा। और अब नेक्स्ट उसमें है सीधा यू, अप से डाउन आना है और फिर अप चले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, यू, अप से डाउन आना है और फिर अप में जाना है, तो ये यू यू बन जाएगा। सो चिल्ड्रन, आप लोग को समझ में आया, एक उल्टा यू होता है और एक सीधा यू आप लोग को लिखना है उस पेज में। एंड अब पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में आप लोग को जे लिखना है, जे का पैटर्न है, अप एंड डाउन और उसके बाद हाफ राउंड, अप एंड डाउन एंड हाफ राउंड बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, जे का पैटर्न, जे बनेगा, अप एंड डाउन एंड राउंड, अप एंड डाउन एंड राउंड। और अब उसमें उसी में दिया हुआ है उल्टा जे, आपको पहले तो हम लोग इधर घुमाए थे, तो अब आपको उस साइड उल्टा बनाना है, उल्टा जे की तरफ मोड़ देना है, अप एंड डाउन एंड उल्टा मोड़ देना है, अप एंड डाउन एंड उल्टा मोड़ना है जे। सो चिल्ड्रन, अब आप लोग ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे करना है, आप लोग अपनी बुक में लिख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।